के वीडियो में अपन बात करेंगे राममूर्ति दंड किस तरीके से लगाया जाता है। तो अभी हम अखाड़े में हैं, तो ये है भैया हमारे बच्चा भैया जो पहलवान रह चुके हैं बहुत पहले और बहुत पहले से वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे अखाड़े में। तो ये बताएंगे आपको किस तरीके से ये राममूर्ति दंड लगाया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और ये बहुत अच्छी वर्कआउट है जिससे आपकी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ तक कि इससे फैट भी कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी बॉडी के लिए ये ओनली एक वर्कआउट है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन अपना वीडियो। तो भैया बताओ जरा किस तरह से, पहले अपन को इस तरह से खड़ा हो, तो पहले अपन को नॉर्मल तरीके से खड़ा होना है, जिस तरह से अपन दंड मारते हैं उस तरह से, मतलब राममूर्ति दंड है लेकिन थोड़ा अलग है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाया जाता है। कैसे हुए, दंड मारते हुए आगे को जाना है अपन को, यूँ आगे को गए अपन, फिर उसी तरह से पीछे को जाना है, इसे बोलते हैं राममूर्ति दंड। दूसरा लगा के बताता हूँ मैं आपको, ये गए इस तरह से यूँ के पीछे है। पीछे दोस्तों राममूर्ति दंड आप देख रहे होंगे कि भैया किस तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको करना है। तो ये बहुत अच्छी वर्कआउट है पूरी बॉडी के लिए, चेस्ट के लिए, ट्राइसेप के लिए, शोल्डर के लिए, सबके लिए ये अच्छी वर्कआउट है बहुत। तो आप इसको कर सकते हैं, 30 से 50 लगा लोगे तो जैसे समझ लो आपकी फुल बॉडी वर्कआउट हो गई। 3 सेट लगा लिया करो डेली, हो गई बस, हो गया भैया।